नमस्कार, तानात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वही दोस्तों, कल ही बड़ा अपडेट सामने आ रहा है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। भारती सिंह के गिरफ्तार होते ही उन्होंने बड़े खुलासे कर दिए सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। लगातार सीबीआई और एनसीबी की टीम उनके साथ करीब 15 घंटे से पूछताछ कर रही है और सबसे बड़ा कबूलनामा भी भारती सिंह और उनके पति हर्ष ने स्वीकार भी किया है। और उन्होंने ये बयान देते हुए कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के कई बड़े अभिनेताओं ने ये साजिश रची थी, जिसके बाद में सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा ये बड़ा कदम उठाया गया है। वहीं भारती सिंह ने सीबीआई के सामने करीब 4-5 नाम अभिनेताओं के भी बताए हैं, उनका भी हम आपके साथ जिक्र करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप वीडियो के एंड तक बने रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट बॉक्स के अंदर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत जरूर लिखे। वही दोस्तों, भारती के गिरफ्तार होने के बाद में बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के अंदर पूरी तरह से हड़कंप मच चुका है, जिसके बाद में मोदी सरकार ने बॉलीवुड इंडस्ट्रीज पर दो बड़े ही भयंकर और फैसले ले लिए कि अब बॉलीवुड इंडस्ट्रीज ही नहीं बल्कि इसके साथ में जुड़े हुए हर तार को खंगाला जाएगा सीबीआई और एनसीबी की टीम को। और सुशांत सिंह राजपूत के इस पूरे खेल की जाँच कर रही सीबीआई टीम को आज इमरजेंसी बैठक के बाद में उनको बयान दे दिया है मोदी सरकार ने कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर शिकंजा कसें और खुलासा करें कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ में हुआ क्या था। क्योंकि भारती सिंह और उनके पति हर्ष ने इस बात को कबूल करते हुए भी कहा कि सुशांत के साथ ही नहीं बल्कि ऐसे कई बड़े अभिनेता थे जिनके साथ में साजिश रची गई थी इसी प्रकार की, लेकिन सुशांत ने इतना बड़ा कदम अपने आप नहीं उठाया, उनके साथ भी कोई ना कोई साजिश सामने आ सकती है। वहीं दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के इस खेल को जांच कर रही ईडी की टीम को भी कई बड़ा एक खुलासा और संदेह पैदा भी हुआ है, जिसके अंदर करोड़ों रुपए घोटाले की बात सामने आई है। ईडी के साथ पूछताछ टीम कर रही है और लगातार ईडी भी अब लगातार खुलासे कर रही है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, क्योंकि उनकी फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर कई बड़े ऐसे उठा पटक सामने नजर भी आ रही है। लेकिन भारती सिंह के अरेस्ट होने से पहले अर्जुन रामपाल के साथ भी सीबीआई और एनसीबी की टीम पूछताछ कर चुकी है और उसके बाद में भारती पर एक्शन लिया गया था। और अब अगला नंबर करण जौहरी नहीं बल्कि कई बड़े बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के अभिनेताओं के पहुंचने के कगार पर है और लगातार सीबीआई और एनसीबी की टीम ये बयान भी दे रही है कि अब उस तक पहुंचने और उनके खिलाफ में कड़े सबूत मिलने के बाद एनसीबी और सीबीआई की टीम उनके खिलाफ जांच चला रही है। वही भारती सिंह ने बड़ा खुलासा करते हुए ये भी कहा कि जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के साथ में जो साजिश रची गई थी वैसी ही बात अब सामने आ रही है। और एक अभिनेता ने खुद को इस बयान से जोड़ते हुए भी उन्होंने बयान दिया कि वो सुशांत की तरह करीब 4 बार ऐसी बड़ी बात उठा चुके हैं, लेकिन वो हर बार बच जाते हैं, लेकिन सुशांत का थोड़ा बचना मुश्किल नज़र आया, इसकी वजह से सुशांत को अब न्याय मिलना तय है। वहीं सीबीआई और एनसीबी की टीम जांच कर रही है और सीबीआई के अधिकारियों को लेकर भी शेखर सुमन ने ये बयान दिया है कि लगातार पिछले 4 महीनों से जांच कर रही सीबीआई की टीम ने अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं किया है। और उन्होंने शेखर सुमन ने ये भी कहते हुए बयान देते हुए कहा कि अभी ये बॉलीवुड इंडस्ट्रीज को अभी तक नहीं मानना चाहिए कि अभी हम चुप हैं तो फिर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं दिलाएंगे, लेकिन सीबीआई जाँच कर रही है इस वजह से हम शांत नजर आ रही है। वही गृह मंत्रालय अमित शाह ने भी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के भारती सिंह के अरेस्ट होते ही बड़ा एक्शन लेने की चेतावनी दे दी है और बॉलीवुड पर शिकंजा कसने के लिए अब बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के ही बड़े अभिनेताओं पर हाथ डालने की सीबीआई और एनसीबी की टीम अपना ऑपरेशन भी तय कर रही है। वहीं उद्धव ठाकरे और एमबीए गठबंधन में भी भूचाल मच चुका है दोस्तों। एमबीए के बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा झटका दे दिया है शिवसेना पार्टी को और अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद में भी लगातार उद्धव ठाकरे इस बात को नकार रहे हैं कि महाराष्ट्र एमबीए गठबंधन के अंदर कोई भी मतभेद नहीं है। लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस के नेताओं ने जो बयान दिए कि इस बार बीएमसी के चुनाव अलग रास्ते पर लड़े जाएंगे, इस बात की ये पुष्टि साफ हो जाती है कि कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी से महाराष्ट्र में अलग होने की कगार पर चल रही है। दूसरी ओर कांग्रेस के कपिल सिब्बल के बयान के बाद ने 23 बड़े कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ में बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी के अधिकारी और सोनिया गांधी ने भी बयान देते हुए कल भी कहा है। वहीं अब सुशांत के शव न्याय दिलाने के लिए जुड़ रहे लगातार, और सुशांत ही नहीं बल्कि भारती सिंह और उनके पति हर्ष
के खिलाफ में अभी कोई अभी तक वकील सामने नहीं आया है उनकी बेल को लेकर, क्योंकि भारती ने इस बात का कबूल किया कि वो ड्रग्स और गांजा लेती थी और उनके घर पर बड़ी मात्रा में भी मिला है। जिसके बाद में कपिल शर्मा शो पर भी अब हाथ पहुंचने की कगार पर है और शो को बंद करने के बायकॉट शुरू हो चुके हैं, क्योंकि मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह कॉमेडी नाइट कपिल के शो के अंदर हमेशा लगातार दिखती है। लेकिन अब अरेस्ट होने के बाद में बड़ा झटका लगेगा कपिल शर्मा शो के अंदर, क्योंकि लगातार अब भारती सिंह के साथ सीबीआई पिछले लगातार दिनों तक कितने दिनों तक बातचीत करेगी या फिर पूछताछ करेगी इसका कोई अंदेशा नहीं है। और हो ये भी सकता है कि रिया चक्रवर्ती के घर पर और उनके खिलाफ में सबूत मिलने के बाद करीब एक महीने तक उन्हें भायखला जेल के अंदर रखा गया था, उसी प्रकार अब जब भारती सिंह ने खुद को इस बात को कबूल किया है तो उनको भी लंबे समय तक अंदर भेजने की तैयारी में जुट गई है सीबीआई और एनसीबी की टीम। और सुशांत के भी अब बड़े खुलासे हो सकते हैं 13 जून और 8 जून की रात को लेकर, क्योंकि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के कनेक्शन आपस में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस पूरे खेल में बॉलीवुड ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का नाम खुलकर सामने आ रहा है। वैष्णव गोस्वामी और परमवीर सिंह की लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो चुकी है आमने सामने की, क्योंकि टीआरपी घोटाले को लेकर अब ईडी की जाँच शुरू हो गई है और ईडी ने जाँच शुरू हाथ में लेते ही अर्णव गोस्वामी ने इंडिया टीवी के खिलाफ में एक शिकायत दर्ज करवा ली है, जो सबसे बड़ा खुलासा होगा और परमवीर सिंह भी इसमें बेनकाब हो जाएंगे टीआरपी घोटाले को लेकर। दूसरी ओर अर्णव गोस्वामी को मुंबई पुलिस के द्वारा 10 लाख रुपए का एक बॉन्ड पर साइन भी करवाई गई है, जिसके बाद में अर्णव अभी तक काफ़ी ज़्यादा रुद्र दिखाई दे रहे हैं और हाल ही में गुपकार गैंग को लेकर भी अर्णव ने अपना रुख तेज कर लिया था। और अब भारती सिंह और उनके पति हर्ष के अरेस्ट होते ही एक बार फिर अर्णव गोस्वामी सामने आएंगे और खुलकर उद्धव ठाकरे के सरकार को लेकर सवाल खड़े भी करेंगे, क्योंकि पालघर को लेकर जब अर्णव गोस्वामी ने जो सवाल उठाए थे उसके बाद अर्णव गोस्वामी के खिलाफ में मुंबई पुलिस और उद्धव ठाकरे की सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन अर्णव, उसके अंदर भी अर्णव सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंतरिम जमानत पाकर बाहर निकल गए, जिसके बाद भी बवाल मचा हुआ है। वहीं अब देखना यह है कि महाराष्ट्र के एमबीए गठबंधन में जो बवाल मचा है, गठबंधन के टूटने की कगार पर स्थिति सामने आ रही है और अब सुशांत ही नहीं बल्कि संजय राउत से लगाकर कई बड़े अभिनेताओं के बयान सामने और नेताओं के बयान भी सामने खुलकर आ रहे हैं कि लगातार पिछले 4 महीने से जांच करी सीबीआई और ईडी की टीम, सीबीआई ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है लेकिन एनसीबी की टीम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है इस ड्रग्स कनेक्शन को लेकर और लगातार वो एक एक व्यक्ति के साथ में पूछताछ कर उनको खंगाल रही है जो लगातार इस गैंग के अंदर एक्टिव नजर आ रहे थे। क्योंकि ईडी की जांच ही नहीं, ईडी की जांच में कई बड़े खुलासे हुए, उसके बाद में अब एनसीबी की टीम भी लगातार ड्रग्स कनेक्शन को लेकर भारती से लगाकर कई बड़ी अभिनेत्रियों से भी पूछताछ कर चुकी है और अब भारती और हर्ष के साथ पूछताछ से पहले दीपिका रकूल से भी पूछताछ की जा चुकी है एनसीबी टीम की। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की इस मुहिम के साथ जुड़े हुए लगातार एनसीबी की एंट्री हो जाती है और ईडी के साथ साथ एनसीबी और सीबीआई तीनों टीमों ने मिलकर जिस प्रकार खुलासे किए, उसके बाद में अब लोगों के ये एक सवाल ये भी खड़ा है कि पिछले कई दिनों से सीबीआई जांच कर रही है लेकिन सीबीआई ने अभी तक कोई नया अपडेट या फिर खुलासा नहीं किया कि आखिर सुशांत के साथ में हुआ क्या था, जिसकी वजह से सीबीआई पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और मीडिया सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही है कि इसी सप्ताह नवंबर के अंतिम सप्ताह तक खुलासा ये हो सकता है कि सुशांत के साथ आखिर क्या गेम खेला गया था या फिर सुशांत ने खूब बखूब ऐसा ये षड्यंत्र रचकर फंसे थे या खुद उन्होंने खुद ऐसा कदम उठाया था, क्योंकि रिया चक्रवर्ती पहले से ही पल्ला झाड़ चुकी है और सुशांत सिंह राजपूत की दोनों बहनें हैं जो अमेरिका के अंदर बैठकर सोशल मीडिया पर एक्टिव है लेकिन वो खुलकर सड़कों पर नहीं आ रही है। लेकिन जो लोग सुशांत को न्याय दिलाने की मुहिम में लगातार अपनी भागीदारी निभा रहे हैं उसके ऊपर यूट्यूबर जिस प्रकार उन्होंने खबरें चलाई थी इसके अंदर कई उन्होंने बातें गलत बोली थी, इसकी वजह से उनके ऊपर जो अक्षय कुमार के द्वारा एक्शन लिया गया था उसके बाद में अक्षय की लंका लगा दी गई जनता के द्वारा कि आपके द्वारा बनाई गई फिल्में भी एक काल्पनिक तौर पर होती है, उनके अंदर भी आप भी झूठ दिखाते हैं। और वकील कालरा ने भी ऐसे खुलासे किए थे अक्षय कुमार को लेकर, जिसके बाद में अब अक्षय की
फैन की संख्या गिरती हुई नजर आ रही है और ट्विटर पर अक्षय कुमार को अनफॉलो करने की धड़ी भी लग चुकी है। और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के अंदर जो हड़कंप मचा है उसके बाद में अब सीबीआई उन सभी लोगों के अंत तक पहुंचने की कगार पर है जिनका सीबीआई पहले से ही लिस्ट के अंदर नाम तय कर चुकी है, क्योंकि सीबीआई की टीम को अभी तक उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं थे। लेकिन आज भारती के अरेस्ट होने के बाद में अब बड़े बड़े खुलासे होंगे। मोदी सरकार भी दो कड़े फैसले लेने की कगार पर है कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के अंदर आखिरकार इतना बड़ा ड्रग्स का जो कारोबार चल रहा है उसके बाद में कई बड़े इसके तार सामने निकल सकते हैं। और हवाला के जो पैसे आ रहे थे करीब 20 करोड़ रुपये का ईडी ने खुलासा किया है, उसके अंदर भी अब ईडी और सीबीआई जांच नहीं बल्कि एनआईए की टीम भी जांच करेगी कि आखिर विदेशों से आ रहे इस हवाला के पैसे की गणना कहां जाती है और कहां इनको पैसों का यूज किया जाता है, जिसको लेकर भी बड़े खुलासे होंगे। और दीपिका पादुकोण के साथ में हो चुकी पूछताछ के बाद यह भारती का नंबर लग चुका है और अब भारती के बाद में और भी कई बड़े ऐसे नामों के खुलासे लगातार सामने आएंगे, जिसके बाद अर्णव गोस्वामी एक बार फिर नए सिरे से सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे अपने नए नए बयान भी दे रहे हैं। वहीं आप जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।